हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक स्वीट जो बंगाल से आता है और वो है चमचम। लेकिन उसको बनाएंगे तो मैं ये दूध बॉईल हो गया है, उबाल आ रहा है इसमें, इसको मैं आज नींबू से या उससे नहीं इसका पनीर निकालूंगी, इसको मैं दही से फाड़ूंगी। दूध को इसका मैं दही से निकालूंगी। तो इसमें मैंने अभी ये एक कटोरी दही लिया है, इसको मैं इसमें धीरे धीरे दूध में डालूंगी। दूध में उबाल आ रहा है, इसको मैं धीरे धीरे इसमें डालना शुरू कर दिया है। जैसे ही उबाल आने लगा मैंने इसमें दही डालना शुरू कर दिया है। ये दही करीब 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और इस दही का भी पनीर ही बन जाता है, तो इसलिए ये दही डालने से बहुत सॉफ्ट और अच्छा पनीर निकलता है। तो मैं इसी से पनीर निकाल रही हूँ और देखिए दूध फटना शुरू हो रहा है। दूध फट रहा है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दूध मैंने 2 लीटर लिया था और ये मैं गाय का नहीं है, ये फुल फैट मिल्क है, पैकेट वाला, हम इसी के बनाएंगे। और इससे देखिए ये एक कटोरी मैंने दही लिया था और इससे ये पूरा फट गया है दूध, अच्छे से ये पनीर निकल गया है। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छान दिया है छलनी में, मैंने अभी कपड़े में इसको नहीं छाना है, मैंने डबल स्टेन रख करके स्टेनर इसको मैंने छान दिया है। इसको मैं इसी में ठंडे पानी से वॉश करूंगी जिससे इसका कुकिंग रुक जाए, उससे पनीर सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए इसको मैं ठंडे पानी से इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, इसकी कुकिंग यहाँ रुक गई है पनीर की। ठंडे पानी से इसको खूब अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है, कुकिंग रुक गई है इसकी। अब मैं इसको पानी को अच्छे से निकाल लूंगी इसमें और इसको थोड़ा सा इसको रखा रह दूंगी, निचोड़ दूंगी जिससे इसका पानी अच्छे से निकल जाए। हाँ देखिए फ्रेंड, इसका मैंने पानी अच्छे से निकाल दिया है और ये पनीर मैंने ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी सूजी 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून, बस इतनी सी सूजी डालूंगी मैं। और इसमें डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून बस, इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको पूरे को इसमें मिला करके खूब अच्छी तरह से इसको हम फेंटेंगे हाथ से, तब तक फेंटेंगे जब तक ये चिकना होकर एक सार ना हो जाए। इसी में सूजी फूलेगी और फूल कर इसमें एक सार हो जाएगी। अब मैं इसको फेंटना शुरू करती हूँ हाथ से, खूब फेंटेंगे, खूब मलेंगे इसको हाथ से, एक सार करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने चाशनी के लिए पतीला चढ़ाया है, वहां पनीर मैंने बहुत अच्छे से क्रीम जैसा एकदम फेंट लिया है, अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैं चाशनी के लिए दाल भगोना चढ़ाया है बड़ा मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, ये मैंने 1 कप डाली है चीनी, और इसमें मैं ये 1/2 कप चीनी और 1.5 कप चीनी डाली है मैंने, और इसमें मैं डालूंगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कप, 6 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। ये 6 कप मैंने इसमें पानी डाला है और ये मैं इसको चीनी को चलाते हुए इसको मैं पका लूंगी। चीनी घुल जाएगी
तो हम इसकी, ये देखिए मैंने चीनी ना गरम पतीले में थोड़ी से गुनगुना पतीला हो गया तो डाल दी, उससे क्या है थोड़ा सा कलर आ जाता है बड़ा अच्छा सा चीनी का, गोल्डन कलर सा। आप अगर नहीं चाहते गोल्डन कलर लाना तो आप ऐसे मत करिएगा, और ये पूरी मेल्ट हो जाएगी चीनी। मैंने फुल फ्लेम पर इसको चढ़ा दिया है, मैं थोड़ा गोल्डन कलर, अब इसमें मैं बाद में आपको एक और एक चीज बताऊंगी इसमें कलर देने के लिए हम किस तरह से बाद में इसको धीरे धीरे एक डेढ़ घंटे में पकाएंगे, बॉईल करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए और ध्यान से देखिएगा और इसको वैसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और फूल करके वो चौगने हो जाते हैं चमचम, बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छे चमचम बनेंगे और उसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है गोल्डन और ब्राउन कलर चीनी का। इसको मैं मेल्ट करने के लिए चढ़ा दिया है, मेल्ट हो गई है चीनी तकरीबन मेरी, अब मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। ये जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा मैं अपने इसमें आपको दिखाती हूँ चमचम इसमें डालूंगी। ये फ्रेंड्स कितना अच्छे से ये मेरा पूरा मैश हो गया है, इसको मैश करने में कम से कम 15 मिनट लगे मेरे को, तो ये बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए, एकदम क्रीम जैसा हो जाए। और देखिए फिर इसके बॉल फटने नहीं चाहिए, ऐसे गोल करा मैंने, देखिए फट नहीं रहे बिल्कुल, अगर ये फटेंगे तो अंदर आपकी चमचम फट जाएगी। इनको मैं ऐसे करके यहाँ रख देती हूँ, छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं क्योंकि ये फिर बड़े होकर के ना ये जो है काफी बड़े हो जाते हैं, ये ऐसे ये छोटे छोटे बॉल मैं बना देती इस तरह से, बहुत छोटे छोटे से बॉल बनाइए क्योंकि आपके 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएंगे। बस इतने देखिए बिल्कुल क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इनमें, इसमें क्या सूजी भी फूल जाती है, मैश आप जैसे जैसे करेंगे सूजी फूल जाएगी। और इसमें आपको पतीला बड़ा चढ़ाइए, आप देखिए आपके कितने चमचम हैं ताकि उनको फूलने की जगह मिले, ये फूल करके बहुत एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, चिपकते बिल्कुल नहीं है एक दूसरे से ये चमचम, ये आप निश्चिंत रहिए ये चिपकेंगे नहीं, इनकी शेप नहीं खराब होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनको जगह रहनी चाहिए ना, क्योंकि हम इतने बनाएंगे तो हमको उसी हिसाब से पतीला बड़ा चढ़ाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ, ये आप प्लेट में देखिए इस तरह से मैं सारे बना के रख रही हूँ, और ये मैं फिर मैं इनको भगोने में डालूंगी और आपको दिखाती हूँ। पानी बॉयल हो रहा है उसका भगोने का, चाशनी का। ये बॉयल हो रहा है खूब अच्छे से, गरम हो गया है, उबल रहा है ये। इसमें हम धीरे धीरे करके अपने, मेरे इसमें 26 बने हैं चमचम, अब मैं इसमें धीरे धीरे करके एक एक ड्रॉप करूंगी, हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, फिर जैसे हम एक डालेंगे थोड़ा सा पानी ठंडा होता है, बुलबुले आने बंद हो जाते हैं, फिर बुलबुला आया फिर एक डाला, अब फिर बुलबुला आया फिर एक डाला, जैसे हम डालते हैं 1 सेकंड के लिए बुलबुला रुक जाता है आना, फिर डाला ऐसे, देखिए बुलबुले नहीं रुकने चाहिए आने से ताकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये देखिए बुलबुला आ रहा है ना, ये फिर डाला, अब ये कितने हल्के हैं कि ये ऊपर हैं, नीचे तली में जा ही नहीं रहे हैं, इतने लाइट है फिटने से, ये बुलबुले आए अब डाला, ये डाला मैंने बुलबुला आया तो थोड़ा रुक जाना चाहिए बुलबुला, जस्ट हम डालते हैं तो टेम्परेचर पानी का एकदम से ड्रॉप करता है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, हम जैसे भी इवनली एक 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 डाल रहे हैं, इसमें बुलबुले आने नहीं रुकने चाहिए।
ये देखिए सारे मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं, और ये मैं इसको थोड़ा सा चाशनी को ऐसे हिला दूंगी जिससे ये हिलते रहें और इनको सबको इवनली एक सी जगह मिलती रहे, और ये किनारे पर लग जाते हैं क्योंकि बीच में पानी बॉयल हो रहा है। हम इनको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ चाशनी में हिलाएंगे कलछी ऐसे, और इसको हम पूरे को तेज आंच पे ही बनाएंगे। इसको मैं ढक देती हूँ, इसको हम ढककर पकाएंगे और हम देखते रहेंगे कि इसमें पानी कम नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे हम अभी पानी भर कर रख लेंगे अपने पास, और जब हमें पानी कम लगेगा तो हम दो दो टेबलस्पून इसमें पानी डालते रहेंगे देख करके बीच में। अभी मैं इसको ढककर रखूंगी, 12 मिनट में इसको बिल्कुल खोलकर नहीं देखूंगी। ये मैंने इसको ढक दिया है प्लेट से, अंदर ये बॉयल हो रहा है, इसको मैं 12 मिनट बिल्कुल नहीं खोलूंगी। 12 मिनट के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी फुल फ्लेम पर, इसको रख करके ही, इसको हम सिम पर नहीं करेंगे, और इसको हम ऐसे ही अभी बॉयल होने देंगे, पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कितने फूल गए हैं चमचम। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से चलाएंगे चाशनी से, हम इनको यहाँ साइड से बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ऐसे, ये ऐसे बस हम हल्का सा चाशनी चलाएंगे ये, और अब मेरे को इसमें पानी डालना है ठंडा। बहुत धीरे धीरे डालेंगे, फिर बॉयल आ गया, और हम ऐसे डालेंगे कि इसका बॉयल कम ना हो। अब फिर हम इसको ढक देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। अब पका रही हूं मैं, फिर 12 मिनट बाद इसको खोलकर देखूंगी, पानी कम लगेगा फिर पानी ऐड करूंगी, अगर पानी कम नहीं लगेगा तो मैं ऐड नहीं करूंगी। हाँ देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी मुझे कम लग रहा है, अब मैं इसमें फिर पानी डालूंगी धीरे धीरे ऐसे कि ये पानी चाशनी के ऊपर ही जाए, चमचम के ऊपर ना जाए। देखिए फ्रेंड्स अब मैं कैरेमल बना रही हूँ। 1 टेबलस्पून चीनी लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको थोड़ा चीनी का कैरेमल बना रही हूँ, इसको मैं अपनी इस चमचम में डालूंगी कैरेमल को कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आएगा चमचम का। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल बंगालीज का स्टाइल है, इस तरह से वो कैरेमल डालते हैं और उसका बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। ये कैरेमल मैं बना रही हूँ, बहुत तेज आंच पे नहीं बना रही हूँ, कैसा नहीं हो कि तेजी से चीनी काली हो जाए, तो हमको बहुत ध्यान से बनाना है। इसका कलर अच्छा आना चाहिए, डार्क गोल्डन कलर, गुड़ जैसा रंग आना चाहिए इसका। बहुत काली हो जाएगी तो उसमें चीनी की जलने की स्मेल आएगी। क्योंकि मैंने छोटा पैन चढ़ाया है तो फ्लेम भी पैन के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर पैन जलेगा तो चीनी भी जलेगी, तो इसलिए बस हमको बहुत ध्यान से इसका कैरेमल बनाना है कि वो जल ना जाए, और डार्क गोल्डन कलर, गेहूं गुड़ जैसा कलर इसका आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन, बिल्कुल गुड़ जैसा कलर आया है ये। अब हम इसको धीरे धीरे अपनी इसमें चमचम में इसको डालेंगे, एक एक चम्मच एक एक चम्मच। इसको मैंने ऑफ कर दिया है गैस को, क्योंकि पैन गर्म है, चीनी की कुकिंग रुकेगी नहीं, और हम इसको एक एक स्पून करके धीरे धीरे इसमें चमचम में कलर के लिए डाल देंगे हम।
बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। मैंने फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दी है चमचम की, क्योंकि इसका काफी तेज वो आता है। देखिए एक टेबलस्पून की काफी चीनी मेल्ट होकर के हो जाती है और ये धीरे धीरे पूरी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेल्ट नहीं हुई है, ये पूरी धीरे धीरे इसमें मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा मैं अपनी चमचम को इधर से हिला देती हूँ। देखिए एक चमचम मेरी फट गई इसमें, क्योंकि मैंने कलछी लगा दी थी ना शुरू में, चमचम में लग गई थी तो वो एक चमचम मेरी इसमें फट गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कलछी नहीं लगनी चाहिए। मैं इसको फिर फ्लेम फुल करके इसको चढ़ा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये चमचम तैयार है, बिल्कुल खूब फूल गई है, बहुत अच्छी बनी है। और इनको अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मेरे को इसको पकाते हुए 1.5 घंटा हो गया, 1.25 घंटा तो करीब, मतलब मेरे को नहीं 2 घंटा हो गया मेरे को इसको पकाते हुए, 2.25 घंटे। तो इसको अब हम बंद कर रहे हैं फ्लेम, ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको अब हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे और फिर ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स ये मेरे चमचम तैयार हैं। इसमें डिश में मेरे 20 चमचम आए हैं, 6 अभी भगोने में ही रखे हैं, मैं दूसरी प्लेट में निकालूंगी। उनमें एक मेरा थोड़ा सा फटा, पूरा नहीं फटा, ऐसा लग रहा था मेरे को पानी में कि वो फट गया है पूरा। अभी मैंने जब ठंडा हुआ देखा, निकाला डिश में, तो वो थोड़ा सा किनारे से ही फटा था। लेकिन देखिए हम कलछी हमें बड़े ध्यान से चलानी है जिस समय हम इसको डालते हैं पानी में, क्योंकि हमें खाली चाशनी को हिलाना है, चमचम में कलछी हमारी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो फट जाती है। बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है ये डिश। तो इस तरह से मेरे 2.25 घंटे में ये बन करके तैयार हुआ। इसको मैंने ठंडा करा रूम टेम्परेचर पर जब आ गया, फिर इसको मैंने फ्रिज में रख करके ठंडा करके, पिस्ता लगा करके ठंडा करके ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। तो आप इस रेसिपी से मेरे आप चमचम बनाइए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस चमचम बनाने में जब आप पनीर निकालते हैं तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, पनीर का पानी पूरा निकल जाना चाहिए। पनीर आप अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, पनीर में पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पनीर में पानी अगर रहेगा तो आपका अच्छे से मैश नहीं होगा और वो बाइंडिंग नहीं आएगी, वो फटने लगेगा आपका चमचम। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पनीर में पानी बिल्कुल ना रहे। और आप ये रेसिपी ट्राई करिए, बनाइए। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप आते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप अपने बाकी फ्रेंड्स को, जान पहचान वालों को, परिवार वालों को भी बताइए और मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरा अनूठी फेसबुक और इंस्टा पे भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।